क्या आप जानना चाहते हैं? आपसे ही कह रहा हूँ, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? अगर हाँ तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर सतना में एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी नपी तुली बयानबाजी के लिए देश भर में जाने जाने वाले कमलनाथ ने यह बता दिया है कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से श्राद्ध में टिकट की सूची आने की बात कमलनाथ कह रहे हैं। बता दें कि आप में से कई भी ये जानते हैं, श्राद्ध के महीने में किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस भी कड़वे दिन में सूची नहीं लाना चाह रही है। और आखिरकार कमलनाथ ने साफ ये बता दिया कि श्राद्ध के बाद टिकट आएगा। हालांकि ये देखना होगा कि वो टिकट जब आएंगे तो उस समय प्रदेश की सियासत कितनी गर्माएगी। बीजेपी की बात करें तो इसमें बीजेपी ने पहले ही छक्का मार दिया है और लगातार उनकी चार सूची जो है वो अब तक आ चुकी है, कई प्रकार की उसमें भी चर्चाएं हैं। और इस मामले में जहां बीजेपी ने बाजी मारी है तो वहीं श्राद्ध के बाद जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो वो लिस्ट क्या कहेगी, क्या कुछ होगा और चुनावी परिणाम क्या होंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। तब तक के लिए आप लोग लगातार पंजाब केसरी पर बने रहिए और ऐसी ही ग्राउंड जीरो की हर रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाते रहने के प्रयास में लगातार बना हुआ हूं। फिलहाल भोपाल से आप सबका मैं विवान।